बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है कि नॉट ओनली कि तुम एक्टिंग फील्ड में कैसे सर्वाइव करोगे, बट अगर तुम कहीं और भी जा रहे हो लाइफ में तो कैसे तुम्हें एक बेटर ह्यूमन बनना है, बिकॉज एन एक्टर नीड्स टू बी अ बेटर ह्यूमन फर्स्ट. लाइक ये मेरा पहला लेसन था यहाँ पे आके. बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं हमें वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के बोलने के तरीके में एंड एक बच्चे के बोलने के तरीके में देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो वो सब हमें यहाँ पर सिखाया गया है. इम्प्रोवाइजेशन के बारे में सिखाया गया कि स्क्रिप्ट कभी भी रटते नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू बी अ रोबोट. एक बिल्कुल नेचुरल वे में एक्ट करना आना चाहिए कि तुम बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जाओ, वो यहाँ पे सिखाया जाता है. एंड मोर ओवर हमें ये सिखाया जाता है कि एक चीज़ को बोलने के कितने तरीके होते हैं. सपोज़ मैं बोल रही हूँ ये मेरे हाथ में अंगूठी है, एंड इसको बोलने की भी लाइक दे कैन बी 20 डिफरेंट वेज. इमोशंस कैसे अपने बाहर लेके आने हैं, कैसे यू नीड टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली कि स्क्रिप्ट में क्या है. हमें रीडिंग सिखाई जाती है रेगुलरली, हमें रीडिंग करने को बोला जाता है. वी आर टोल्ड अपना शब्दकोश ठीक करने के लिए, वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों. एक्टर को हर फील्ड में अच्छा होना ज़रूरी है. एक वो सिर्फ एक्टिंग में सही नहीं होता है, एक एक्टर हर एक कैरेक्टर जो उसका होता है वो हर एक कैरेक्टर को जीता है. वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं देखता है, उसके पास एक पूरी लाइब्रेरी होती है प्रोफेशंस की. उसको सब कुछ करना आना चाहिए. एक एक्टर के लिए कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, सेंसिटिव हो बट बेवकूफ़ मत बनो. तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी आना चाहिए. तुम सेंसिटिव कहीं ना कहीं होते हो, सब के सब होते हैं, जस्ट एक्टर्स थोड़े से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं. हम एज एन एक्टर्स अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को इतना ज़्यादा नॉर्मल लोगों से बेटर परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर टॉट हियर. और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड अभी भी मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ. सो होपफुली कि मैं अच्छा करूँगी आगे जाके. हमें एक प्ले करा रहे हैं, शॉर्ट फिल्म शूट करा रहे हैं. हमने एक फोटोग्राफी का भी फोटोशूट्स करे थे. बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे एंड हमें बताया गया है कि एक्सप्रेशंस पे कैसे काम करते हैं अपने. वाइल क्लिकिंग अ पिक्चर यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव, क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो भी बहुत कुछ बोलती है. तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होता है कि तुम्हारे आसपास के अराउंड सराउंडिंग्स कैसे यूज़ होती हैं. इफ़ यू आर एक हिल स्टेशन में हो, तुम ऐसे एक्ट नहीं करोगे कि तुम बीच में हो. तो ये सब फ़ोटोशूट में सिखाया जाता है, क्रोमा वगैरह ये सब हमें सिखाया जाता है यहाँ पर. वेलकम टू फेम पाठशाला.